धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस दो दिवसीय राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी में देश भर के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा पुलिस प्रशिक्षण के विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। मेरे सहयोगी अपर महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा, निदेशक प्रशिक्षण श्री भोला शंकर जायसवाल, डायरेक्टर सीबीटीआई गाजियाबाद श्री अंबर किशोर झा, आज की मंच संचालिका एवं हमारी डायरेक्टर सीबीटीआई चंडीगढ़ श्रीमती रानी बिंदु सचदेवा, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों सीएपीएफ सीपीओ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विशेषज्ञ शिक्षाविद, डोमेन एक्सपर्ट्स तथा डेलीगेट्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी का राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी के समापन सत्र में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद आप हमारे अनुरोध पर इस राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहां पधारे, इसके लिए हम सब आपके तहे। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य महोदय विभिन्न पुलिस बलों इकाइयों और अन्य स्टेक होल्डर्स को भारतीय पुलिस प्रशिक्षण के लिए सामायिक रुचि के चयनित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने अपने संबोधन में क्षमता निर्माण और पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और श्री अतुल करवल जो डायरेक्टर हैं एसकेपीएनपीए और एनडीआरएफ के भी महानिदेशक हैं, इन्होंने अपने विभिन्न सत्रों में पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित प्रमुख विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। महोदय, यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफीज फॉर द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल्स फॉर द बेस्ट पुलिस ट्रेनर्स से संबंधित एसओपीस पर फीडबैक लिया जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षण में लेटेस्ट इनोवेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप विशेष रूप से महामारी के समय में पुलिस प्रशिक्षण के दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली के में बदलाव को देखते हुए इन एसओपीस में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की भी परिकल्पना एवं काउंटरिंग टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच संतुलन, दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी एवं स्पेशलिस्ट अथवा फोकस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तीसरा कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस एवं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बनाने की आवश्यकता।